आज हम एक पेमेंट करेंगे पेटीएम के थ्रू। आजकल देखा जा रहा है कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पेटीएम में पैसे ऐड नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। तो हम लोग ना उस चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें हम झेल रहे हैं, जिसकी की वजह से पेमेंट कई के बार हमारी पेमेंट फंस भी जा रही है और पेमेंट हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो आज हम एक बार ट्राई करेंगे और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि पेमेंट किस तरीके से करी जाती है और किस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप और भी क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं पेटीएम के अंदर पेमेंट को ऐड करने के। तो चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे। इनके अंदर रियल मछली है क्या है? ये इनके अंदर रियल मछलियां हैं? अरे इनके अंदर असली मछली है क्या? अच्छा अच्छा, तो इन सबके रेट अलग अलग हैं। ये हम आ गए रेड लाइट पे। यार यहाँ तो हमेशा लाइट ही रहती है, बहुत लाइटें हैं भाई द्वारका में। अगेन एक और लाइट, अभी ये 45 सेकंड्स की है, टाइम लगेगा इसमें। पेट्रोल पंप आने ही वाला है यार, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यार दो फोन तो है नहीं। कोई नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाएंगे स्क्रीन की। सो पेट्रोल पंप मैं आ गया हूँ। पेटीएम है? पेटीएम है भैया? है पेटीएम? लिया कोड लिया ठीक है ना? हाँ, एक बार दोबारा स्कैन करना है मतलब। एक तो ये है, ये भीम UPI इससे कर सकते हैं पेमेंट हम। हाँ, और कई तरीके और भी होते हैं जिससे हम डेबिट और क्रेडिट वगैरह। एक बार लिया ना यार वो यूज़ करेंगे भीम UPI, इससे हो जाएगी पेमेंट। वो मिलता है कैशबैक मिल जाता है इससे। अरे बहुत सिंपल है यार, ये पेमेंट वगैरह कैंसिल हो जाएगी आजकल ना, तो इससे हो जाएगी वो पेमेंट कंप्लीट। ये देखो, ये कहना ये सीधा मेरे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। पचास का दे देना है हमें। यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्रूवल्स के नाम से, तो जाऊंगा अप्रूव डालना है अपना यहाँ पे। यस हाँ जी यार, पेटीएम हो नहीं रहा ना, पेमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बार UPI ट्राई कर रहे थे, हो गया UPI से। कितने आसानी से मैंने एक पेमेंट कर दी और जिसमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। सिर्फ मैंने अपना एड्रेस वगैरह उसमें नोट कर रखा था और फिर वो वहाँ पे कैशे में उसने कैश कर रखा था और वहाँ पे वो आ गया और फिर मैंने उसको ऐड कर दिया और फिर पेमेंट मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। तो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट में पेटीएम के थ्रू। पेटीएम में जब पैसे ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं कार्ड के थ्रू, तो पैसे वगैरह ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। सो ये था एक सोल्यूशन कि आप UPI वगैरह इस्तेमाल करें। UPI कुछ नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से आपका एक जीमेल पे एक एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी एक एड्रेस होता है। एक PNB बैंक का अगर आप कस्टमर है मान लो, तो आपका एक नाम होगा और उसके बाद @PNB। जिस तरीके से आपका जीमेल पे आपका एड्रेस है कोई, तो अब जैसे आपका नाम है ABCD@gmail.com, तो उस तरीके से यहाँ पे ये PNB काम करता है और हर बैंक इस तरीके से काम करेंगे। और फिर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट खुल चुकी है, चलते हैं हम आगे।
द्वारका, वैसे द्वारका खत्म होने वाला है, यहाँ से हम इधर लेंगे और ये फ्लैट्स हैं कुछ यहाँ के। अब द्वारका एंड हो गया, यहाँ पे आने वाला है द्वारका खत्म। यार मैं एक बार पॉज करता हूँ, लाइट तो अभी रेडी है पर लोग वहाँ क्रॉस भी कर जा रहे हैं और पर हम नहीं करेंगे क्रॉस। लाइट हो गई, अब चलते हैं। फिर लाइट यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है यार, बहुत ज़्यादा रेड लाइट है, बहुत ज़्यादा। पर एक फ़ायदा इसका ये भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं होता इस चीज़ की वजह से, पर जाम कम लगता है। ये वही मछली वाले भैया, वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बटन दबाना ना भूलें, किसका, घंटे का। सो बाय दोस्तों।